तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। आज सुबह के 7:50 पर मालकानगिरी जेल से रिहा हुए 5 संवाददाता कल ही रिहा के लिए अर्जी की गई थी और बेल ऑर्डर भी हो गए थे, लेकिन समय अधिक होने की वजह से किसी भी संवाददाताओं को रिहा नहीं किया गया था, इसलिए आज उन संवाददाताओं को जेल से रिहा किया गया है। ज्ञात रहे कि 5 संवाददाता पब्लिक एवं मरीजों की शिकायतों पर रात को करीब 11:30 बजे कोरुकोंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र में न्यूज कवर करने के लिए गए थे। जब 5 संवाददाता हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा मौके पर कोई नाइट ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं है। रोगी सेवा ठीक से निकी हो रही है। रोगी बिना बिस्तर एवं कंबल के जमीन पर इस कड़ाके की ठंड में सोते हुए थरथरा रहे हैं। लेकिन जब संवाददाता वार्ड में मरीजों से पूछा कि आपको कोई परेशानी, तो मरीजों ने बताया है यह ठीक से इलाज नहीं करते, खाना ठीक से नहीं देते, बिस्तर पर बेडशीट कंबल वगैरह नहीं है, रात के भोजन में मरीजों को सिर्फ 2-2 ब्रेड देते हैं। मौके पर मौजूद मरीजों ने बताया कि डॉक्टर बाद में आए एवं 5 संवाददाताओं के साथ दुर्व्यवहार किया एवं पर दिन थाने में जाकर 5 संवाददाताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। उसके बाद मालकानगिरी के 2 SDOP 2 IIC रात के 12:30 बजे तकरीबन 30 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के संग एक एक कर सभी संवाददाताओं को उनके घर से बिना नोटिस बिना कारण उठा लिया। आर्गस टीवी चैनल के जिला ब्यूरो रिपोर्टर विक्रम केसरी स्वाइन ने बताया कि गणतंत्र की किस प्रकार पुलिस प्रशासन ने गला घुटते हुए संवाददाताओं के संग बर्बरता दिखाते हुए कानून को हाथ में लेकर इस प्रकार अन्याय किया है। सारा राज्यों में मालकानगिरी पुलिस प्रशासन को काफी निंदा हो रही है। संवाददाताओं की कलम को बंद करने के पीछे क्या राज है, कौन है षड्यंत्रकारी, उसको सबके सामने जल्दी लाया जाएगा, इस प्रकार चर्चा जोर पकड़ रही है। ए आउ जणो को फूल पके लेने डबल पके दी छन भाई जी ओडिशा मालकानगिरी से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।